हाय वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो ध्यान दीजिएगा, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे निकालना है क्यूब रूट। लेकिन यहाँ पे जो थोड़ा सा डिफरेंस दिया हुआ है कि दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल। और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है जो आपको पहले ही बता देता हूँ। यदि आप निकालते हैं क्यूब रूट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम कि इनको हम क्यूब रूट जो होता है ये, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन दोनों पर अलग अलग, और हम बाहर कर सकते हैं दोनों को अलग अलग करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मीन्स रूट ए मल्टीप्लाइड बाई रूट बी, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है जिसका यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। ओके, तो लेट अस सॉल्व इट। आपका क्वेश्चन है आपका 8 मल्टीप्लाइड बाई 125। सो क्यूब रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाइड बाई 125 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8 मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 125। अब यहाँ पे करना क्या है कि यहाँ पर हो जाएगा, देखिए 8 का यदि क्यूब रूट निकालते हैं तो आपका होगा, यहाँ फैक्टराइजेशन कर देते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पर आप यूनिट डिजिट मेथड में बदला करिएगा क्योंकि वन डिजिट का नंबर है, आपको तो पता ही है इसका फैक्टराइजेशन क्या होता है। लेट अस डू 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 125, सॉरी इसको भी लिख देते हैं, लिख देंगे 5 × 5 × 5। तो हमें मिल जाएगा क्या यहाँ पर 2, क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रिपल बनाना है और यहाँ भी एक ट्रिपल बन रहा है, मीन्स 5, 2 × 5 मीन्स इट इज 10। सो क्वेश्चन नंबर 1 का जो क्यूब रूट होगा मीन्स 8 × 125 का वो मिलेगा आपको 10। दैट इज योर आंसर। ओके, तब सॉल्व करते हैं सेकेंड। आपका दिया हुआ है -1728 मल्टीप्लाइड बाई 206 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर हम यूज करेंगे एक प्रॉपर्टी और इन दोनों को हम सेपरेट कर लेंगे। मीन्स क्यूब रूट ऑफ -1728 मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 216। ओके, यहाँ पर क्या होगा कि देखिए 1728 में जो नेगेटिव साइन है उसको आप बाहर निकाल सकते हैं क्यूब रूट से, और यहाँ पर जो आपने किया है ना इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर, सिंस हम जानते हैं कि क्यूब रूट ऑफ ए बी जो होता है क्यूब रूट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट ऑफ बी, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी वी हैव डन फ्रॉम हियर टू हियर। ओके, ना नेगेटिव माइनस बाहर निकालेंगे और यहाँ पर हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ, पॉजिटिव नंबर हो जाएगी यहाँ पर 1728 मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 216, ठीक है। और यहाँ लिख लेंगे आप, सिंस वी नो दैट क्यूब रूट ऑफ माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ मीन्स निगेटिव ऑफ क्यूब रूट ऑफ ए। ओके, अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा 1728 हम इसको सॉल्व करेंगे बाई यूनिट डिजिट मेथड। यूनिट डिजिट मेथड में क्या करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि जिसका क्यूब रूट निकालना होता है उसका यूनिट प्लेस पर क्या है। तो यहाँ पर क्या है, 8 है, 8 है, तो हम लोग चेक करते हैं कि 0 से लेकर के 9 तक के क्यूब के बीच में, ठीक है, किसके क्यूब में यूनिट डिजिट पर 8 आता है। तो आप पाएंगे कि 1 क्यूब करेंगे तब भी आपको 1 मिलेगा और 2 क्यूब करते हैं तब जाकर आपको मिलता है 8। मीन्स 2 के क्यूब में आपको 8 मिल गया यूनिट्स प्लेस पर, खैर 80 तो रहता है तो 8 तो यूनिट प्लेस पर है ही। ओके, 8 मिल गया, मतलब कि 2, ये जो 2 होता है उसको हम इसके आंसर में, इसके क्यूब रूट के यूनिट्स प्लेस के आंसर में रख सकते हैं। मींस माइनस 2 आ गया हमारा, 2 क्या है आपके, इसके क्यूब रूट का मींस 1728 का क्यूब रूट का यूनिट डिजिट है 2, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या करते हैं कि जो नंबर होती है जिसका क्यूब रूट निकाला जा रहा होता है उसमें से राइट साइड से हम एक ट्रिपलेट बनाते हैं मीन्स 728 का, ठीक है, और उसको इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं पूरी तरह से, है ना, जैसे आप अपने किसी दोस्त को भूल जाते हैं कभी कभी। ओके, ठीक है, और ये जो 1 बचा हुआ है इस 1 को क्या करते हैं, चेक करते हैं कि किस क्यूब के बीच में है। तो देखिए यहाँ पर 1 और 8 के बीच में आपका जो है क्या है, 1 है, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से कि 1 से ग्रेटर है या इक्वल है क्या जो 1 बचा हुआ है, 1 एंड लेस, लेकिन लेस है आपका किससे, 8 से। मीन्स यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं ऐसे कि 1 क्यूब से लेस देन इक्वल टू 1 है, लेस देन इक्वल टू 1 है, बट लेस देन
लेस देन आपका है 8 मीन्स 2 क्यूब, ठीक है। मतलब आप तो या तो ये लिखिए, मतलब ये ध्यान रखिए या फिर ये ध्यान रखिए, दोनों आपके लिए अंडरस्टैंडिंग बनाएगा कि मतलब 1 जो है 1 और 8 के बीच में है, देयरफॉर हमारा जो यहाँ पर इसके रिमेनिंग जो डिजिट्स होंगे वो हमारा ये 1 होगा, मीन्स ये वाला 1, हमेशा ये ध्यान रखिएगा ये वाला 1, ठीक है। यहाँ पर हो गया 12, माइनस 12 आपका आंसर है, मीन्स माइनस 12 इज क्यूब रूट ऑफ माइनस क्यूब रूट ऑफ 1728, ओके, मल्टीप्लाइड बाई 216 का भी कर सकते हैं आप इस तरीके से। क्या करना है आपको, बस चेक करना है कि जो यूनिट्स डिजिट है वो किसका मतलब है, किसका क्यूब के यूनिट्स प्लेस पर आता है। आप चेक करेंगे पाएंगे कि 6 क्यूब में यदि आप क्यूब करते हैं तो आपको मिल जाता है 216 एक्चुअली, और 216 तो एक्चुअली क्यूब है ही, तो ये बहुत आसान है वैसे, इसको फैक्टराइजेशन के जरिए ही आप निकाल सकते हैं बहुत अच्छे से। तो खैर यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ यूनिट डिजिट मेथड, तो यहाँ पर देखिए 6 यूनिट्स प्लस पर है, देयरफॉर यहाँ पर लिख देंगे इसके आंसर में क्यूब रूट में 6 हो जाएगा, और इसके रिमेनिंग डिजिट्स कुछ नहीं निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे, क्योंकि आप यदि इधर राइट साइड से ट्रिपल बनाएंगे तो तीनों के तीनों जो हैं डिजिट्स आ जाएंगे और आप कैंसिल कर देंगे, उसके बाद से कोई भी इधर डिजिट नहीं बचेगा जिसका यूज़ करके आप ये फाइंड कर पाएं कि किसके किसके बीच में ये लाई करता है, ठीक है। देयरफॉर 6 इज योर आंसर, मीन्स माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 12 6 टाइम्स कितना होगा 72, मीन्स माइनस 72 इज योर आंसर। देखिए ये मैंने बताया आपको यूनिट डिजिट मेथड से, लेकिन आप यदि इसका यूनिट डिजिट मेथड यूज नहीं करना चाहते आपको यहाँ लिखना पड़ेगा सिंस, या फिर सिंस छोड़िए, बाय यूनिट डिजिट मेथड, यूनिट डिजिट मेथड, ठीक है, हमने ये किया है। लेकिन आप ये प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं इक्वली, ठीक ऐसे ही, यहाँ बस आपको प्राइम फैक्टर से लिखना है और इसको ट्रिपल बनाने हैं, फिर आराम से हर ट्रिपलेट से एक नंबर बाहर लेकर के आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, दैट्स इट, यू विल गेट द आंसर माइनस 72। ओके, तो अब फाइंड करना हमें क्यूब रूट ऑफ माइनस 27 मल्टीप्लाइड बाई 2744। सबसे पहले हम यहाँ पर सेपरेट कर लेंगे इसको, मीन्स क्यूब रूट ऑफ माइनस 27 मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 2744। यहाँ पर हम लिख लेंगे रीजन कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, सिंस वी नो दैट क्यूब रूट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई बी, वी कैन राइट दिस लाइक क्यूब रूट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई क्यूब रूट ऑफ बी, ओके। अब यहाँ पर हमें करना है, देखिए निगेटिव को पहले हम बाहर करेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस ऑफ 27 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे तो पॉजिटिव है ही बिल्कुल, 2744। तो यहाँ लिख देंगे रीजन आपका कि क्यों आज निगेटिव बाहर निकला है, तो हम जानते हैं सिंस वी नो दैट क्यूब रूट ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यूब रूट ऑफ ए, ओके। 27 यहाँ पर है, छोटा नंबर है, तो इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे और निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बड़ा नंबर है तो हम इसका यूज कर सकते हैं यहाँ पर यूनिट डिजिट मेथड, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ, ये हो जाएगा 3 × 3 × 3, माइनस बाहर रहेगा, सॉरी माइनस हम यहाँ रखेंगे माइनस, और ये हो जाएगा 3, तो हमारा हो गया क्यूब रूट ऑफ इतना मल्टीप्लाइड बाई, देखिए यहाँ पर निकाल सकते हैं डायरेक्टली हम बाई यूजिंग यूनिट डिजिट मेथड। करना क्या होता है उसमें, आपको देखना होता है कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, तो 4 है तो आपको ये चेक करना पड़ता है कि 0 का क्यूब करने पर क्या आ रहा है और 1 का क्यूब करने पर क्या आ रहा है, ठीक। ऐसे करते 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 हम लोग ये चेक करते हैं कि किसके क्यूब में 4 आएगा, तो हम ये चेक कर पाते हैं कि यदि 4 का ही क्यूब करेंगे हम तो 4 आएगा यूनिट डिजिट पर, ठीक है। तो 4 × 16 = 64, यहाँ देख रहे हैं आप ये 4 है, 4 क्या है, यही 4 तो है, मीन्स यूनिट डिजिट पर 4 आता है यदि हम 4 का क्यूब करते हैं। इसका मतलब यहाँ पर यूनिट डिजिट पर 4 दिया हुआ है और हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो 4 आता है वो 4 के क्यूब में आ रहा है, तो ये वाला जो 4 है यही आपका यहाँ पर आंसर का यूनिट डिजिट होगा, मीन्स जो इसका क्यूब रूट आएगा उसका यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या होगा, 4 होगा। अब हमें निकालना है कि इसके रिमेनिंग डिजिट्स क्या होंगे, तो स्टेप नंबर 2 ये कहता है कि राइट साइड से आप 3 डिजिट्स का ब्लॉक बनाइए और उसको कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल मतलब माइंड में कैंसिल करिएगा, ठीक है, जैसे कि आप किसी का नामो निशान कैंसिल कर देते हैं ना अपने दिमाग से। खैर, तो जो 2 बचा हुआ है
केवल आपको ये चेक करना है कि टू जो है किन दो क्यूब्स के बीच में लाई करता है। अभी जो टू जो है वो लाई करता है वन क्यूब के बीच में और टू क्यूब के बीच में, है कि नहीं। मीन्स टू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहाँ पर हम इक्वल लगा देते हैं, ठीक है। तो वन टू जो लाई करता है वो वन क्यूब और टू क्यूब के बीच में लाई करता है, वन को इंक्लूड करके। मीन्स वन इज लेस देन इक्वल टू, टू इज लेस देन एट, है कि नहीं। देखिए वन और एट के बीच में लाई करता है टू, इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो वन है, ये जो वन है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो दो क्यूब्स के बीच में लाई कर रहा है नंबर, तो उसके लेफ्ट वाले जो नंबर है वन, छोटा वाला नंबर, ठीक है, जिसका बेस है वन, वही आपका रिमेनिंग डिजिट होता है। दैट्स इट। मीन्स यहाँ लिख देंगे डायरेक्टली आप वन, मीन्स ये जो है क्यूब रूट है 14 का। दैट्स इट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस यहाँ पर देखिए ट्रिपल निकाल लीजिए एक, तो हो जाएगा माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 14। यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो मिलेगा आपको 14 थ्री जा 42 माइनस 42। सो दिस मल्टीप्लीकेशन द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस इज द क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस इज माइनस 42। ये आपका हो गया आंसर। ओके नेक्स्ट, तो ये थोड़ा बड़ा नंबर है तो इसको फाइंड करेंगे हम यूनिट डिजिट मेथड से, लेकिन इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है। आप दोनों मेथड एक साथ लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके 729 यदि आपका इसका फैक्टराइज करते हैं, माइनस बाहर निकाल लीजिएगा और हम साथ साथ फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे करेंगे फैक्टराइज तो मिलेगा आपको 9 × 9 × 9 मीन्स 3 × 3 × 3 × 3 × 3 करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वो भी कर सकते हैं या फिर 9 × 9 × 9 तीन बार लिख सकते हैं आप, यहाँ से ट्रिपल बना सकते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इनटू यहाँ पर हम क्यूब रूट निकाल लेते हैं बाई यूनिट डिजिट मेथड। करेंगे क्या, यहाँ पर देखेंगे कि यूनिट प्लेस पर क्या है, 5 है। अब चेक करना पड़ेगा कि 5 कब, 5 जो है किसके क्यूब के यूनिट डिजिट पर आता है। तो हम देखेंगे कि 5 का क्यूब करते हैं जब, मिलता है हमें 125। मीन्स 5 जब यूनिट डिजिट पर रहेगा तो वह केवल 5 क्यूब करने पर ही आता है, मतलब 0 और 9 के बीच में, मतलब 0 और 9 के बीच में जो है आप सारे नंबर्स को क्यूब कर लीजिएगा और देखिएगा कि यूनिट प्लस पर क्या आता है। तो केवल 5 के क्यूब करने पर ही यूनिट प्लस पर 5 आता है। देयरफॉर केवल हम ये 5 को देख करके हम आंसर का, मतलब क्यूब रूट का, इसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट लिख सकते हैं और वो यूनिट डिजिट होगा 5। उसके बाद हम निकालना है रिमेनिंग डिजिट्स, क्योंकि इसके टेंस प्लेस पर या फिर हंड्रेड्स प्लेस पर भी कोई नंबर हो सकता है, तो वो पता चलता है इस तरीके से। स्टेप नंबर 2, हम राइट साइड से क्या करते हैं कि 625 का, मतलब कि ट्रिपलेट्स बनाते हैं राइट साइड से और उसको इग्नोर कर देते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं, ठीक है। और जो बचा हुआ नंबर होता है 15, उस 15 को देखते हैं कि 15 किसके किसके बीच में है, मैंने किस दो क्यूब्स के बीच में है। तो 15 हम जानते हैं कि 15 जो है ग्रेटर या इक्वल टू होता है 2 क्यूब मीन्स 8 के बीच में, या लेस होता है 3 क्यूब के बीच में, मतलब कि ये 8 और 27 के बीच में लाई करता है कि नहीं। तो इसीलिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे बस कि जो छोटा वाला नंबर है मीन्स 2 क्यूब, इसमें जो बेस है बस वही आपका रिमेनिंग डिजिट है, मीन्स 2 होगा यहाँ पर। मीन्स ये जो नंबर है 15625, ये क्यूब है 25 का, या इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 25 निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम माइनस कर लेंगे, यहाँ पर 9 आ जाएगा, माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाई 25 ऑफकोर्स। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर, 25 9 जा होता है 225, क्योंकि 10 चले जाएंगे तो 250 हो जाएगा। ओके माइनस 225 इज द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर, दिस इज योर आंसर। होप कि आपको समझ में आ गया हो, बिल्कुल आ गया होगा, और यदि आ गया तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए दोस्त इस वीडियो को और अपने दोस्तों को बता सकते हैं। यदि आपको किसी चैप्टर में या किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं। दैट्स इट, हैप्पी रहिए, अपने काम करते रहिए। थैंक यू सो मच अगेन, बाय।